वेलकम टू पार्ट 36। और अब सीखते हैं हम एंटिटी स्टेट के बारे में। तो ये एक एंटिटी फ्रेमवर्क की फीचर होती है। जैसे हम रिकॉर्ड को ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं, तो ये एंटिटी फ्रेमवर्क की फीचर होती है। लेकिन हम अपनी MVC एप्लीकेशन में इसको यूज़ करते हुए, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये सीखना हमें बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा हम रिकॉर्ड्स को डिलीट कर रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं, तो हम उसके लिए दो बार डेटाबेस को हिट कर रहे हैं। ऐसे अपडेट करने के लिए पहले रिकॉर्ड को निकाला था, उसके बाद में वैल्यू अपडेट की थी, फिर से उसको सेव किया था, तो दो हिट हो गई। सेम वैसे ही मैंने डिलीट करने के लिए किया, पहले रिकॉर्ड को निकाला, फिर इसको रिमूव किया, और फिर मैंने उसको एक बार सेव चेंजेस करके फिर से मैंने उसको अपडेट किया, तो दो बार हिट हो जाती है। अब ये चीज़ से इससे बचने के लिए, इसको मतलब सब कुछ काम एक हिट में कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, वही सीखने वाले हैं। एंटिटी स्टेट, डिलीट रिकॉर्ड इन वन डेटाबेस इट, अपडेट रिकॉर्ड इन वन डेटाबेस इट, और ये सब चीज़ें। तो सबसे पहले अपना कोड को ओपन कर लेते हैं इसके लिए। ठीक है, तो ये वही कोड है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर आपने इससे पुरानी वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो आप इस वीडियोस को ज़रूर देखिए, क्योंकि पूरा कोड हम पुरानी वीडियोस में कर चुके हैं और मैं उसी कोड से आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको अगर स्टार्टिंग से समझ नहीं आएगा तो ये आपको शुरू से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम देखो यहाँ पे एम्प्लॉय रिपोजिटरी जो है हमारे डेटाबेस के अंदर, यहाँ पे डीबी ऑपरेशंस के अंदर, यहाँ पे हमारा ये अपडेट वाला मेथड है और ये डिलीट वाला मेथड है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एक हिट से काम चलाऊँ, मतलब मैं एक डेटाबेस हिट में ही अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट कर दूँ। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले मैं इस वाले पूरे कोड को हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको हटा दिया। अब हमारे पास में आईडी है, तो लेकिन ठीक है आपके पास में आईडी है, बट जिस टेबल के रिकॉर्ड को आपको डिलीट करना है, आपको उसी टेबल का एक नया टाइप, एक नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। कैसे, सपोज मैंने वेर ईएमपी लिखा, न्यू और एम्प्लॉय, ऐसे करके से एक नया ऑब्जेक्ट आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जो उसकी आईडी है, जो उसकी प्राइमरी की है, वो यहाँ पे आप डाल दीजिए आईडी, बस। बाकी चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है, इतना ही आपको करना है। अब इसके बाद में देखो, हमने अब तक डेटाबेस को हिट नहीं किया है। अब हम इस एंटिटी की, मैंने आपको बताया था कि हर एक एंटिटी का लिंक बना रहता है डेटाबेस के साथ में, तो ये हमें वहाँ पे बनाना है। जैसे पहले हम क्या करते थे, डेटाबेस से रिकॉर्ड को गेट करते थे, फिर उसको अपडेट कर देते थे, तो उसकी जो स्टेट थी वो चेंज हो जाती थी मॉडिफाइड के नाम से। ठीक है, बट यहाँ पे इसकी स्टेट अभी कुछ भी नहीं है, तो हमें इसकी स्टेट यहाँ पे बनानी पड़ेगी कि ये हमारा रिकॉर्ड, इसकी स्टेट हमने चेंज की है। कैसे कैसे कर सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट डॉट एंट्री। ठीक है, और जिस क्लास की आप बात कर रहे हो, ईएमपी की, मैं ईएमपी की बात कर रहा हूँ, डॉट स्टेट, आप इतना कर सकते हो। और यहाँ पे आप देखोगे, मैं एक बार स्टेट के ऊपर आपको दिखा देता हूँ कि स्टेट है क्या चीज़। तो इसके ऊपर चलते हैं, राइट क्लिक, गो टू डेफिनेशन। ये देखिए, ये बेसिकली क्या है, एक प्रॉपर्टी है एंटिटी स्टेट टाइप की। अब ये एंटिटी स्टेट क्या चीज़ है, इसके ऊपर भी जाके देखते हैं। तो गो टू डेफिनेशन, अब यहाँ पे देखोगे हमारी एंटिटी की ये इतनी सारी स्टेट्स हो सकती हैं, डिटैच्ड, अनचेंज, एडिड, डिलीटेड, मॉडिफाइड। ठीक है, बेसिकली इनम बना हुआ है हमारा एक ये, तो वही है। अगर आप चीज़ों को मतलब नया ऐड कर रहे हो तो आपकी स्टेट एडिड बन जाती है। जैसे हम करते हैं ना, ई एम पी कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉय डॉट ऐड करके मैंने किया था, तो उतना करने से ही उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, रिमूव करने से डिलीट हो जाती है। और जैसे हमने उसको, जब हमने रिकॉर्ड को गेट किया, फिर उसकी कॉलम्स को हमने अपडेट कर दिया, तो वो मॉडिफाइड बन जाती है। ठीक है, और डिटैच मतलब ये होता है, जैसे अभी हमारा अभी प्रोसेस है, मतलब उसका कोई लिंक ही नहीं किसी के साथ में, डिटैच हो चुकी हैं चीज़ें, तो उसका स्टेट डिटैच होती है। ठीक है, तो हमें बेसिकली ये स्टेट चेंज करनी होती है, या तो आप उस तरीके से चेंज कीजिए या आप इस तरीके से चेंज कीजिए। तो मुझे यहाँ पे स्टेट क्या करनी है, अब इसकी डॉट डिलीटेड। ठीक, मैं डिलीट वाले की बात कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे स्टेट क्या करनी है, डिलीटेड। तो अब क्या होगा, जो एम्प्लॉई हमने बनाया है, ये ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉय का, और ये हमारी टेबल है कि हमारी पोको क्लास है, तो इसलिए इसका स्टेट चेंज करने के लिए आपको केवल इतनी सी लाइन लिखनी पड़ती है, और बस। अब आप इसको कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस। तो बेसिकली ये एंटिटी फ्रेमवर्क की फीचर्स हैं। ये ऐसा नहीं है केवल एमवीसी में ही चलती है, अगर आप किसी और एप्लीकेशन बना रहे हो, जैसे कि विंडोज या वेब, या फिर आप कंसोल बना रहे हो, जो भी आप कर रहे हो,
तो ये सब जगह एप्लीकेबल ऐसे ही होता है, ये एंटिटी फ्रेमवर्क की फीचर है। तो उसको ऐसे ठीक करने के लिए अब आप देखोगे डेटाबेस हमारा एक बार हिट होगा यहाँ पे, इससे पहले हमने कभी भी डेटाबेस को हिट नहीं किया है। तो ऐसे करके आप डेटाबेस को अपने मतलब ऐसे काम कर सकते हो, रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हो सिंगल हिट में। अब कैसे कर सकते हैं, हो भी रहे नहीं हो रहे, एक बार चला के देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे रिकॉर्ड तीन, अभी तीन रिकॉर्ड दिख रहे हैं डेटाबेस में जाके देखूंगा तो तीन ही रिकॉर्ड हैं ये देखिए। अब इसको हमें डिलीट करना है, और डिलीट के लिए आपने देखा है हमने सिंगल हिट वाला मेथड बना दिया है। तो मैं पहले ही ब्रेक पॉइंट लगा लेता हूँ, लगा हुआ है, और अब मैं डिलीट करता हूँ, सपोज राहुल वाले को कर देते हैं। तो डिलीट मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आया, कंटिन्यू करते हैं, अब यहाँ पे आया, अब देखोगे यहाँ पे ऐसे करके। तो अब कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर आप जाओगे यहाँ पे, अब देखोगे इसके अंदर सारी चीज़ें हैं, चेंज ट्रैकर भी हुआ है, एड्रेस, ये तो बेसिकली। अब मैं एम्प्लॉय की बात करता हूँ, तो इसके अंदर देखो केवल आईडी के साथ में हमने यहाँ पे जो चीज़ें बनाई थी वही है, और इसकी स्टेट हमने क्या बना दी यहाँ पे, ये डिलीट वाली कर दी। तो डिलीट करने के बाद में अब चीज़ों को हम एक बार और देख लेते हैं करके, जैसे एम्प्लॉय के अंदर है, एम्प्लॉय के अंदर मतलब सारी चीज़ें जो आप कॉन्टेक्स्ट को देखना चाहते हो वो देख सकते हो सब कुछ इसके अंदर। और यहाँ तक अभी डेटाबेस में कुछ डिलीट नहीं होगा जब तक आप सेव चेंजेस नहीं करोगे। मैं नेक्स्ट करता हूँ, जैसे ही सेव चेंजेस हो चुके हैं, और यहाँ पे आप देखोगे तो तीन रिकॉर्ड अभी आपको दिख रहे हैं, एग्जिट करता हूँ तो दो रिकॉर्ड, जो राहुल का एक रिकॉर्ड था वो डिलीट हो गया। अब बस यहाँ पे आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए, तो यहाँ पे आप देखोगे आपके दो ही रिकॉर्ड बचे हुए हैं। तो ऐसे करके आप चीज़ों को ऐसे अपडेट कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि जो एडिट वाला चीज़ है, यहाँ पे भी हमने दो हिट लगा रखी हैं। कैसे लगा रखी हैं, मैं यहाँ पे जाकर देखता हूँ, इसी के अंदर है। एक तो हमने रिकॉर्ड को निकाला था, फिर हमने रिकॉर्ड को ऐसे मैन्युअली अपडेट किया था, और फिर कॉन्टैक्ट और सेव चेंजेस किए थे, यानी कि हमने दो बार किया था। तो मैं इसको भी चेंज करने जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये भी एक ही हिट में काम करे। तो मैं ये तो भी रखता हूँ, ये एम्प्लॉय जो है मैं इसको ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, और ऊपर वाली चीज़ में हटा देता हूँ, वेयर एम्प्लॉय, ठीक है बस। और इतना करने के बाद में आप देखो क्या क्या हुआ है, अभी एम्प्लॉय हुआ है ये, इसकी आईडी हमने डाली थी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल कोड, और इसके अंदर एड्रेस वाला भी होता है, नहीं तो एड्रेस वाला डिलीट हो जाएगा अब। तो एड्रेस आईडी, तो मॉडल डॉट एड्रेस आईडी, ठीक है। आपको पूरा डाटा यहाँ पे बनाना है, और आप चाहते हो अब ये अपडेट हो जाए कैसे, फिर वही आपको स्टेट चेंज करनी पड़ेगी। कैसे करके, कॉन्टेक्स्ट डॉट एंट्री, यहाँ पे आपको देना पड़ेगा आपका जो ऑब्जेक्ट का है वो टाइप, ऑब्जेक्ट एम्प्लॉई डॉट स्टेट इक्वल टू ये, और डॉट अभी क्या किया हमने, इसको मॉडिफाई किया है, ठीक है। तो इसकी मतलब स्टेट अब क्या हो गई, मॉडिफाइड हो गई, और बस अब कॉन्टेक्ट डॉट सेव चेंजेस जो पहले करते थे वही। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपका एक हिट जाएगी डेटाबेस में केवल यहाँ पे। तो बेसिकली ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें स्टेट से ही काम होता है, एंटिटी स्टेट, कि आपकी एंटिटी करंट स्टेट क्या है, आपने उसको ऐड किया है डिलीट किया है जो भी किया है, ये आप यहाँ पे या तो आप मैन्युअली ऐसे कर दो, या फिर आप जैसे हम पुराना प्रोसेस कर रहे थे वो अपने आप हो जाती है, बट अल्टीमेटली उसमें भी स्टेट चेंज ही होती है, ठीक है। तो आप स्टेट को ऐसे चेंज कर दोगे तो आपका एक ही हिट में काम हो जाएगा, एक हिट आपकी बच जाएगी। तो अब आप देखोगे हम अपडेट वाला काम करके देखते हैं सही चल रहा है कि नहीं, ठीक है। दो रिकॉर्ड हमारे हैं अभी, मुझे सपोज इसको अपडेट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, एडिट पे क्लिक किया मैंने, इसका डेटा फिल हो गया जाएगा पूरा। अपडेट करने के लिए यहाँ पे आप कुछ भी कर दीजिए जो आप कुछ चाहते हो डेटा डालना, इतना मैं चाहता हूँ, ठीक है। मैं इसको सेव कर देता हूँ, आप देखोगे डेटा हमारा सेव होके आ भी गया यहाँ पे, और यहाँ पे अगर मैं चलाऊँगा तो डेटा अपडेट डेटा इसमें भी हो चुका है। एक बार मैं अगर आपको दिखाने के लिए इसको डीबगर लगाऊँ, तो यहाँ पर मैं डीबगर लगा लेता हूँ, और इसी अब इस बार इसको अपडेट कर देते हैं हम। अच्छा एडिट पर क्लिक करना है हमें, तो सपोज मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया बहुत सारा, इतना सेव पे क्लिक किया, यहाँ पे आएगी एम्प्लॉय क्लास कौन सी है, ये डेटाबेस वाली है, तो इसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने बनाया। अब यहाँ पे डेटा को फिल करते हैं। अच्छा अब ये आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है इफ़, ये तो पहले हमने लगाया था, ये हटा सकते हो, ये मैं हटा दूंगा। तो अब डायरेक्ट यहाँ पे डेटा को ऐसे फिल कर सकते हो, यहाँ पे स्टेट चेंज हुई, क्या हुई, ये स्टेट मतलब ये मॉडिफाई हो चुकी है, अब ये एंटिटी अब ये लिंक हो चुकी है उससे आपके डेटाबेस के साथ में, आपने ये डालते ही ये लिंक हो चुकी है। अब सेव चेंजेस जैसे आप करोगे टू बस कंटिन्यू,
तो आप देखोगे यहाँ पे आपका रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है, और डेटाबेस में भी अगर मैं चला के देखूँ तो अपडेट हो चुका है। ठीक है, अब चाहो तो इसको यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है कुछ भी, क्योंकि नल तो होगा, जब हमने अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है तो आप इसको हटा सकते हो बस। तो इतना करने से आपको कोड भी देखने में अच्छा लगेगा और एक हिट भी आपकी बच रही है तो चीज़ें फास्ट भी काम करेंगी। ठीक है, ऐसे करके आप इन चीज़ों को कर सकते हो। तो यहीं पे हमारे जितने भी करंट ऑपरेशंस हैं मैंने आपको सारे सिखा दिए हैं। आपको किसी में भी कोई भी डाउट हो रहा है या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो जिससे हो सकता है कि जो हमारे और व्यूवर्स हैं वो आपको इसका रिप्लाई कर देंगे। अगर नहीं किसी से हो पा रहा है तो मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन आप सीखते रहिए, अपने डाउट्स कभी भी नहीं रखने हैं, डाउट्स को साथ साथ में क्लियर करते रहिए। और इसके बाद में हम सीखते हैं MVC की नेक्स्ट फीचर्स के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।